अरे आज के जो हमारे मेहमान हैं, उन्हें आप एनर्जी का एटम बम बोल सकते हैं। क्या बात है, ना घड़ी की सुइयां रुकती हैं ना ये थकते हैं। पिछले 40 सालों से तकरीबन 130 फिल्मों से लगातार झकास परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे। तो अकेले नहीं आ रहे, उनके साथ आ रही हैं एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस, उनकी बेटी। अरे वाह। सो जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड सोनम कपूर एंड एवरग्रीन मिस्टर अनिल कपूर। अनिल सर, सोनम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। आप दोनों साथ आए हैं सर, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। लेकिन सिद्धू बाजी फंस गए आज, क्योंकि इनके पास या तो किसी की तारीफ के लिए बड़े वो धुआंदार शेर होते हैं कि तूफान ये वो, या फिर लड़कियों के लिए होते हैं खुशबू फूल ये वो। आज आए हैं बाप बेटी, आज आपके पिटारे में क्या है हमको सुनना मांगता है। चैलेंज दे रहा है? मैं चैलेंज है आपको। Why is he licking his? वाह भाई, एक्टिंग की ए बी सी डी में ए फॉर अनिल कपूर होता है। वाह वाह। जहां बात आती है ब्यूटी की, सोनम का जिक्र जरूर होता है। वाह। ना बनावट ना मिलावट ना झूठी सजावट है, बाप बेटी के रिश्ते में प्यार ही प्यार भरपूर होता है। हर विवाह शादी के मौके पर, बच्चों के मुंडन जन्मदिन के मौके पर यहाँ शेर सुनाए जाते हैं। क्या बात है पाजी, आई लव यू सर। पाजी, अनिल सर ने एक फिल्म करी थी 1942 ए लव स्टोरी, उसमें गाना था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। आर यू गोना सिंग इट? हैं, आपको गाना पड़ेगा ना? आती फरमाइश शुरू होगी। ओह माय गॉड, हाउ गुड सिंगर आई एम। या बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक्स। तो ये गाना गाएंगे? कैन यू प्लीज रिपीट दिस लाइन? आप बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू सोनम। अच्छा, वो जो गाना था 1942 लव स्टोरी में, बड़ा हिट गाना हुआ था, और अब अनिल सर और सोनम साथ में जो फिल्म कर रहे हैं उसका नाम भी है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सर कैसा लगा? आई मीन, अच्छा सोनम, सोनम आप अपना मुंह उधर कर लो थोड़ा, पापा से थोड़ी फ्रेंडली टॉक करने वाला हूँ। तो सर आप तो, सोनम भले ही आपकी बेटी बड़ी होगी, पापा तो उतनी की उतनी है, तो अभी भी जब आप किसी लड़की को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है सर, जो आपको बोलती है कि अनिल यू आर सो हैंडसम? वैसा ही लगता है जैसे 1942 में लगता है। कमाल है सर, कमाल। तो ये जो जो मूवी आ रही है सर, चलो अभी हंसी मजाक तो करते रहेंगे हम, तो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सर सबसे पहले तो अपनी मूवी के बारे में बताइए। क्या बताएं? चलो रहने दो। आप और सोनम साथ में आ रहे हैं, हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि मूवी किस बारे में है, क्या है? फादर डॉटर की स्टोरी है। ओके। स्टोरी इज अबाउट रिलेशनशिप्स, प्यार के बारे में, फैमिली के बारे में। इट्स सेट इन नॉर्थ इंडिया, एक छोटा सा शहर है मोगा करके, एंड अपेरेंटली पापा का जो कैरेक्टर, ही इज द अंबानी ऑफ मोगा। मोगा का मुकेश अंबानी। बट इट्स अ वेरी वेरी स्वीट स्टोरी, और मुझे पता है कि सारे फैमिलीज जाके देखेंगे, दे फील रियली लवली, बिकॉज द फादर डॉटर रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप ऑफ एवरी कैरेक्टर इन द फिल्म टुगेदर इज वेरी स्वीट। चलिए, बहुत बहुत इंतजार है हमें इस मूवी का। सोनम की अभी हाल ही में शादी हुई है। और आपकी भी शादी हुई है? जी हाँ। अरे ये देख लो, सोनम की शादी हुई, अनिल सर देख लो हमेशा कितने फिट रहते हैं, आपको पता ही है। ये मतलब हमारे यहाँ पे होता है ना सर, बेटी की शादी हो गई, साथ ही में सब कुछ छोड़ देते हैं, कसरत, जिम, खाना पीना, सब चीज़ को नाना नाना करते, झट्टी नाना भी बन जाते हैं। अनिल सर को देख के लगता ही नहीं है कि मतलब इनकी शादी करने लायक बेटी भी होगी। सर क्या बात है, पहले तो इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए। सोनम आपको कैसा लगता है, आपने इतने यंग पापा रखे हुए हैं? मतलब पूरी इंडस्ट्री में किसी के इतने छोटे पापा नहीं है उम्र में।
आपको कैसा फील होता है जब आपको लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं? आई होप कि जो जीन्स हैं इनके मेरे में भी आ जाए. बहुत अच्छी बात है. तो जब कभी लड़कियां कॉम्प्लीमेंट, इधर आप उधर मुंह कर लो, आप दोस्तों की बात है. ये बड़ा अच्छी बात है ना, दोनों के साथ दोस्ती वाला रिलेशन. तो जब पापा के बारे में ऐसे लड़कियां बोलती हैं कि योर पापा इज सो डैशिंग हॉट, आप पापा को बताते हो कि मम्मी को जाके बोलती हो? मैं उनको बोलती हूँ कि पागल हो गए तुम, मेरे डैड हैं. क्यों तो अच्छा, आपके डैड है ना, उनका काम क्यों खराब कर रही हूँ? उनको तो पूछो, उनको तो अच्छा लगता है. कपिल, व्हाट आर यू सेइंग? अरे पापा होता है लेकिन मर्द मर्द होता है. पाजी अभी सोनम और अनिल सर साथ में आ रहे थे, लग रहा था कजन्स दो एंट्री कर रहे हैं. कितना लग ही रहा कि पापा हैं साथ में और उनकी बेटी है. अच्छा सुनो, मैं एक बात बताओ. जब आप स्कूल में पढ़ती थी तो आपकी टीचर कहती थी कि पेरेंट्स मीटिंग पे अनिल सर को लेके आओ, हमें 1-2 का 4 करना है. What is this nonsense? आइए आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाए. बहुत बहुत स्वागत है, तालियां जोरदार होनी चाहिए. अच्छा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं, अनिल सर जो है वो सोनम के पापा का रोल निभा रहे हैं और इस फिल्म में वो सोनम को ढेर सारे लड़के दिखाते हैं शादी के लिए. सर रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ है, आपने सोनम को दिखाए थे मतलब शादी से पहले लड़के? नहीं बिल्कुल नहीं, वो जमाना गया अभी लड़के दिखाने का. लड़कियां अपने ही लड़के चुनते हैं आजकल तो. बहुत अच्छी बात है. अच्छा जनरली क्या होता है, लड़कियां जो अपनी मम्मी के साथ ज्यादा अपनी बातें शेयर करती हैं, पर अनिल सर और सोनम को देख के लगता है कि ये ज्यादा दोस्त हैं, बाप बेटी का में दोस्त ज्यादा है. तो आप इनसे शेयर करती थी पहले, बात करी थी आपने? अच्छा लेकिन मैं अनिल सर की तरफ देखता हूँ, मुझे उल्टा लगता है. मुझे लगता है ये सोनम से बोलता हूँ आज एक लड़की देखे जकास ऐसा. मुझे He's my friend. We are brothers. How old are you, Kapil? आप अपने एज को क्यों बढ़ा रहे हो? मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं अनिल सर को बता रहा हूँ यार. मैं कुछ एक्चुअली सर, जब भी आपको मिलता हूँ ना मैं, उसके बाद मैं जिम जरूर जाता हूँ. मुझे ये लगता है कि इतनी इंस्पिरेशन मिलती है आपको देख के. यू लॉस्ट वेट. थैंक्स. मैं सीधा पेट की तरफ देखा. अब मैं अनिल सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ सबके सामने. जिस दिन हमारी रिसेप्शन थी उस दिन अनिल सर का बर्थडे था. सो स्वीट ऑफ यू सर, आई लव यू सर. और ये अपने बर्थडे पार्टी बीच में छोड़ के. अच्छा हमने कार्ड पे टाइम छिपवाया था 8 बजे, सर 7:45 बजे पहुंच गए. हम भी रेडी नहीं हुए. मैं 8:30 बजे पहुंचा. नो 8:30 मुझे पता है, आप टाइम पे रेडी नहीं हुए थे. अरे मैं टाइम पे रेडी था, वो लड़की जिसके शादी हुई ना, शी इज वेरी लेट लती. वो रेडी, मुझे किसी ने बोला अनिल सर आ गए, मैंने शर्ट पहनी हुई थी, मैं भाग के गया. किसी ने कहा बाद में मिला अनिल सर से, पहले पैंट पहन लो. इधर कसम से फिर लोग बोलते कि एक लड़के तो देखा तो ऐसा लगा. पर इंतजार है सर हमें आपकी मूवी का. वी ऑल लव यू. अरे इस फिल्म में अनिल सर सोनम के पापा बने हैं. अच्छा मैं एक बात पूछनी है आपसे, आप तो वैसे भी इनके पापा हैं, आप वैसे भी उनकी बेटी हैं, तो फिल्म में तो फिर काम तो हुआ ही नहीं, ये तो रियली हो गया ना, इसके भी पैसे मिलते हैं? इस फिल्म में सोनम के पापा बने हैं. अच्छा मुबारका में अर्जुन कपूर के चाचा बने हुए थे, रियल में भी चाचा है. और हमने सुना है कि जो हमारे शूटर हैं इंडिया के अभिनव बिंद्रा, उनकी बायोपिक बन रही है, उसमें हर्षवर्धन जो है वो उनका किरदार निभा रहे हैं, उसमें भी अनिल सर उनके पापा का रोल निभा रहे हैं. तो सर बच्चे आपको प्रमोट कर रहे हैं कि आप बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं? देखो प्रॉब्लम क्या, आजकल थोड़ा सा पेट्रोल जो है महंगा हो गया है, तो मैंने बोला कि शूटिंग पे जा ही रहा हूँ तो साथ में 1-2 एक्टर को साथ में ले चल रहा. वेरी नाइस. अच्छा अनिल सर की जगह कोई और होता ना सर, तो मैं उनसे पूछता कि आपके बच्चों में से सबसे ज्यादा आपको किसने परेशान किया है. लेकिन आपके केस में उल्टा. मैं सोनम आपसे पूछना चाहता हूँ कि तीनों भाई बहनों में से अनिल सर ने सबसे ज्यादा किसको परेशान किया है? नहीं एक्चुअली डैड इज प्रीटी कूल. आई थिंक सबसे ज्यादा परेशान घर पे कौन करता है पापा? तेरी मम्मी. आई होप शी डजंट वॉच दिस शो. मैंने नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला. आई लव माय मदर. ये इनके मुंह से आया, मेरे मुंह से नहीं आया. नहीं तो आपको तो कुछ कहेंगे भी नहीं कोई. उधर मांगता है अभी. पता नहीं मेरी मम्मी कैसी है. अभी ये जो बोल दिया ना, ये ज़्यादा हैवी लाइन. I thought I was whispering, but मैं भूल गई कि माइक क्या है. तभी पापा का तो जो होगा
आपको भी रेडी रहो आप भी. जैसे ऑनर होगा ना मैं ही मैसेज करने वाला हूँ, डोंट मिस दिस एपिसोड. और अब वक्त है फिल्म एक लड़की को देखा कि कास्ट से एक और अहम अदाकारा को यहाँ इनवाइट करने का. ये बहुत ही प्यारी हैं, मैं उनका बहुत जबरदस्त फैन हूँ. सो प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों स्वागत कीजिए तो वेरी चार्मिंग वेरी ब्यूटीफुल जूही चावला. जी मैम बहुत प्यारी लग रही हैं आप. अरे वाह पाजी. इस चेहरे की चांदनी देख आफताब खिल उठा. वाह शबनम चमक उठी और शबाब खिल उठा. वाह देखा जो आज महफिल में जूही जी को सामने, सबके मन के बगीचे में प्यार का गुलाब खिल उठा. वाह तो ये रहा एक मंत्री द्वारा बहुत ही अच्छा फ्लर्ट. आइए ये देखो भाई ये रूप तो आपका हमें यहीं पे देखने को मिलता है ना. अगर जूही जी पार्लियामेंट में होती तो हाजिरी सबकी पूरी होती. इसमें कोई शक नहीं, मुझे तो ये लगता है कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री भी आगे बैठ जाते. जी मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज यहाँ मैम एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा अनिल सर जो हैं सोनम के पापा का किरदार निभा रहे हैं. अब ये मत कहना कि मैं भी मम्मी बनी हुई हूँ. मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगी, मैं इनकी मम्मी नहीं बनी हुई हूँ. इस फिल्म में क्या किरदार निभा रही हैं मैम आप? बहुत ही मजेदार रोल है मेरा. मैं एक स्टेज कंपनी की केटर हूँ. अच्छा. हाँ तो मैं खाना वाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ. अच्छा. मगर मेरा सीक्रेट डिजायर है कि मैं भी कोई हीरोइन बन जाऊँ. तो बस मेरी लाइफ बन जाए. तो इट्स अ वेरी क्यूट फनी कैरेक्टर एंड फिल्म के दौरान मैं इनसे मिलती हूँ और फिर कहानी आगे बढ़ती है. रोमांस. आपने अनिल सर के साथ तो पहले भी काफी काम किया है. अब आप इतने सालों बाद बाप और बेटी दोनों के साथ काम कर रही हैं, तो आपको इनके साथ काम करके कैसा लगा ये मैं बाद में पूछूंगा. मेरी शादी में क्यों नहीं आई आप? मैं आ नहीं पाई, मेरा दिल बड़ा था. मैंने ना खुद आपकी फोटो चूज करके कुछ एक बड़ा सा गिफ्ट भेजा था. आपने उसको क्या किया? मैंने मैम मेरे बेडरूम में बिल्कुल सामने वो फोटो लगाई हुई है. हाँ क्योंकि इनकी और गिन्नी जी की फोटो है तो प्यार से बड़ा देखते हैं आप अपने बेडरूम में सजा के रखी है. मुझे गिनी ने कहा कि हमारी दोनों की फोटो हमने सामने लगाई. सो स्वीट थैंक यू. मैं कहा नहीं जूही चावला ने भेजा. मैम थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट. अच्छा मोस्ट शॉकिंग, मैं अभी तैयार ही हो रही थी. मैं आपके शो पे कोई 2-3 बार पहले आ चुकी हूँ. तो रात को 10-11 बजे शूटिंग शुरू होती थी और कोई 3-4 बजे खत्म होती थी. अब मुझे जल्दी जल्दी बुला रहे थे वैन से कि जल्दी आइए. वो रेडी हो गए. अरे अभी 7 बजे. बोले नहीं 10 बजे तो उनको घर जाना है. अरे This is called the गिन्नी effect. आपने सच बोल दिया, मैं 2 घंटे लेट जाना चाहता था. अभी आपने बोल दिया मुझे 10 बजे पहुंचना पड़ेगा. अच्छा जूही मैम कितनी अच्छी अदाकारा है ये तो आप सब जानते हैं. आपको ये भी नहीं पता, मैंने भी पहली बार सुना मैम किससे कि आप प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी और आपने ट्रेनिंग भी ली है क्लासिकल की. मैंने बड़ी कोशिश की मगर चलिए मैं एक्टर बन गई तो अच्छा ही है. मैम एक गाना तो बनता है. आप ये शो मतलब बंद तो नहीं करना चाह रहे अभी? मैम मुश्किल से तो शुरू हुआ है हमारी दुकान. वो
मुझे क्यों गाना गवा रहे? No, Juhi ma'am, I didn't know this. You have to sing. ये ले. ये भी शुरू हो. मुझे बोला गया पीछे कि कपिल जी गाएंगे आपके लिए. यहाँ पर बोले मैं गाऊंगी. तो पेशे खिदमत है आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग. ये देखा, देखा. Too good. Ma'am, I love you, ma'am. Too good. Too good. Thank you. इतने प्यारे लग रहे थे सर आप दोनों डांस करते हुए. But Sonam कितनी cute है देखो. नहीं तो बच्चों को जेलसी हो जाती है. Hi, मेरे पापा किसी और लड़की के साथ डांस कर रहे थे. You कर रही थी. Heart. जोरदार तालियां हो जाए एक बार. अच्छा गाने की ट्रेनिंग मैंने सुना आने सर आपने भी ली है. नहीं नहीं आप गाएंगे मैं नहीं गाऊंगा. नहीं अभी एजी ओजी वो वाला. नहीं नहीं प्लीज. यस यस मैं हाथ छोड़ता हूँ. कोई भी गाना मगर एजी ओजी मत गाना. मैं कौन मेरे पास सारे फेवरेट गाने हैं. मैं आपको सुनाऊँ सर. और इसी के साथ ही अब जूही मैम गाएंगी. ओफो ये लो. अरे हाँ हाँ ये बात तो हो ही जाए. देख लो पाजी तो हमारे गाने तो सुन नहीं रहे थे. ये तो इंतजार कर रहे थे कि मेन गाना कब आए. मैम दो लाइनें सुना दो. जय सर को दिमाग में रख के सुना दो. हम बताएं हमारे. तो पेशे खिदमत है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जूही जी की जबान से. जूही मैम प्लीज. मर गए. मुझे कोई बचा ले. और इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे अनिल सर बीट को पकड़ते हैं. अब तो हो ही जाए, एजी हो जाए. बीट को कैसे पकड़ते हैं? ये क्या है हमारे खानदान में
बहुत ही बुरे सिंगर है सोनम। सोनम मैं बोल रही हूँ बहुत खराब है। सोनम ऐसे सुनाओ से एक गाना ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताती हूँ, अगर किसी ने कहा कि सोनम अगर तुम गाओगी नहीं ना तुम मर जाओगी, मैं मर जाऊंगी। मैं इतना बुरा गाती हूँ, इतना बुरा गाती हूँ। और जूही के बाद तो बिल्कुल नहीं आएंगे। बाप बेटी। अच्छा अनिल सर, आपकी वॉक के ना लोग इतने दीवाने, आपको पता है इस बात का कि नहीं? रणवीर सिंह आपकी वॉक बड़ी अच्छी कॉपी करता है। रणवीर सिंह? हाँ, बड़ा फैन है वो, कहता है अनिल सर की वॉक का बड़ा फैन हूँ हमेशा, कई बार हमारे शो में उन्होंने चल के भी दिखाया। अच्छा यहाँ पे कोई है जो अनिल सर की वॉक कॉपी कर सकते हैं जिनको लगता है? अच्छा अच्छा, लेडीज भी हैं सर, वाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ स्टेज पे। ये नारियल, नारियल का पेड़ लगा आपकी शर्ट पे? नारियल पानी पिलाओ हमें। ओके, तो टोटल पांच लड़के हैं। पांच लड़के हैं। कोई भी। पांच लड़के हैं और आधी लड़की। स्कूल से आइए सर, आपके हाथ में माइक है, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे और कहां से आए ये बताएंगे। सर मेरा नाम राशिद अंसारी, फ्रॉम भिवंडी। तो आप अनिल सर की वॉक कॉपी कर सकते हैं आपको लगता जी, है? जी जी। तो आप चल के दिखाइए। चलते चलते उधर निकल जाइए। बहुत ही खराब वॉक की आपने, मुझे ऐसा लगा। आपका नाम क्या है बेटा? सर दिस साइड अलशफा। अलशफा, बड़ा प्यारा नाम है। खूब क्या मतलब होता है इसका? थैंक यू। टू गिव रिलीफ टू अदर्स। वाओ, मैंने आज तक कोई लड़की नहीं देखी जिसको नाम तुझे प्यारा ना लगा हो। उसको तू गालियां दे रहा होता है, बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा ही है, बड़ा वो है। नहीं, अलशफा का मतलब बड़ा अच्छा है ना भाजी, कि शफा देने दूसरे को। अलशफा बट फिजियोथेरेपी नेम। उसको बोल रहा हूं। आई मीन क्या बोलते हैं उसको, बहुत बहुत प्यारा नाम है आपका। थैंक यू। आई मीन बड़ा अच्छा नाम है आपका। तो अनिल सर की वॉक, ये भी माइक इनको दे दीजिए भाई साहब को, चल के दिखाइए। Very nice. Very nice. इनसे तो अच्छा किया आपने। सॉरी मेरे भाई अंसारी साहब, आप करना है कि रहने दे? आपका नाम नहीं बताया आपने। मेरा नाम प्रिंस कुमार। वाह प्रिंस, किसी ने नहीं बोला तो खुद ही रख लिया। तो आप कहाँ से आए प्रिंस? पटना। पटना से? यस। तो हो जाए। भाई पटना को पहली ट्रेन कौन सी जाती है? मैं देखो, मैं ईमानदार आदमी हूँ, भगवान ने दोबारा मेरी दुकान शुरू की, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ना ही मैं किसी को हर्ट करना चाहता हूँ, पर बहुत खराब था ये। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? हाँ जी भाई, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मैं कैनेडा तो आया, मेरा नाम हैरी चीम है। अरे वाह, पंजाबी हमारे कैनेडा में बहुत रहते हैं। अभी अंग्रेज उधर से निकल रहे हैं, कहते हैं ये उधर चले जाओ ना सर, एयरपोर्ट पे भी पंजाबी में लिखा होता है जी आया नु, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। हमें लगता है कि हम कनाडा आए हुए कि थोड़े से अंग्रेज बठिंडा घूमने आए हैं। तो चीमा साहब, अच्छा अभी हिंदी में बात करूं या पंजाबी में? नहीं, आपको अगर पंजाबी में बात करनी तो आपको क्लिप काट के दे देंगे, घर पे देखते रहना, ये तो आएगा पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे लोग। अच्छा गुजरात में भी देखेंगे लोग। पाजी प्लीज। अच्छा एक प्रॉमिस करना जी, मुझे बोलना कि जहाज पहला कौन सा जाएगा कनाडा। वो आप वॉक करेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। सुपर्ब। कनाडा को तो अभी कोई है नहीं इस समय फ्लाइट। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है। गौरव कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से। आपकी हाइट क्या है गौरव? 6'1". 6'1". रोका नहीं आपको किसी ने? आप बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जी आप वॉक करके दिखाएंगे अनिल सर की? पिया हुआ संजय दत्त। मतलब फैंस आ रहे हैं आपके, पर वही है ना,
अगर ये सारे कॉपी कर ले तो फिर अनिल सर क्यों है भाई, इसीलिए आई लव यू अनिल सर जी. आपका नाम क्या है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब. और नाम बताइए. बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल. आइए. हेम कुमार धार्मिक. धार्मिक नाम से. नहीं माइक कर दी. अच्छा. अब अनिल सर आप एक बार तो हो जाए सर. बट कौन सी फिल्म का वॉक चाहिए आपको? बिकॉज हर फिल्म में अलग अलग वॉक. अब बताओ. फिल्म का वॉक? डैड कम ऑन, यू हैव वन वॉक. ये मेरे को एक्सपोज कर रही है. सब लोग बोल रहे हैं वेलकम 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 वेलकम. Love you, sir. Dad, thank you. By the way, ये इनकी वॉक नहीं है. ये भी भूल गए अपनी वॉक. इनकी वॉक देख के मैं भी अपनी वॉक भूल गया. थैंक यू. क्या हुआ बच्चे को? रो रहा है बच्चे भगवान का रूप. उनको कोई लेना देना नहीं शूटिंग. हेलो बेटा, हाउ आर यू? आपकी मम्मी है ना? रियल मम्मी है? कौन आया आपके साथ? और आपके हस्बैंड भी आए हैं? ये सारे बच्चे आपके हैं? हाँ जी. अच्छा, ये फर्स्ट वाला आपका है? हाँ. और सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट्री. ये आपका नहीं है तो आपका एक ये, एक ये. हाँ. इनके पापा नहीं आए? पापा बाहर गए हैं. कहाँ? उनका बच्चे पैदा करके बाहर निकल गए. अच्छा. बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया. मैंने एक पल भी नहीं रहना जीतू भाई. तो क्या हो गया? हुआ क्या? जिसने मुझे रोका ना, मैंने टैक्सी मार के उसका मुंह बक्से जैसा करते ना. क्या हो गया भाई? अभी क्या हुआ? स्यापा हुआ, स्यापा. पाजी, मैं भैंसों के साथ तबेले में रह लूंगी, लेकिन इस बच्चे के साथ मैंने नहीं रहना. क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ अनिल कपूर जी के घर. अभी वो तो खुद यहाँ आए हुए हैं, वो देखो. तभी तो जा रही हूँ, जब घर में होते तो घुसने नहीं देते ना. हेलो अनिल जी. हेलो जी मैम. हेलो. हेलो सोनम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी, आप कैसे? मैं भी एकदम झकास हूँ. अनिल जी, आप मुझे लेने इतनी लेट क्यों आए? मैं तो इंतजार कर रहा था आपका. वो तुम्हें लेने नहीं आए भाभी, वो फिल्म का प्रमोशन करने आए. हुआ क्या? मैं भी फिल्म का प्रमोशन ही कर रही हूँ. एक लड़की जी, मैं हम उमर के साथ बात करती हूँ 30-30. आपको पता, जब से मेरी शादी हुई है ना, मेरी जिंदगी झकास से बकवास हो गई है. तब से मेरी जिंदगी में न कभी ढींदा दिन था, हुआ ही नहीं. भाभी, क्या है ये सब? इन्हें क्यों बता रही हो? तो किसे बताऊं फिर? जाओ, मुझे गेस्ट से बात करें दो, जाओ. मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है देवर जी, और आप गेस्टों से बात कर रहे हो. मेरे तो सारे सपने सूर हो गए हैं. मेरे हस्बैंड मुझे प्यार ही नहीं करते. नील जी, बिल्कुल भी प्यार नहीं करते मुझे. भाभी, खुदा का खौफ खाओ, 11 बच्चे साबित घूम रहे हैं तुम्हारे. एक और एक 11 होते, इसके और इसके पति ने साबित किया. ये शर्म नहीं आती? तो क्या हो गया? बंदे ने मेहनत की है, तालियां बजाओ बच्चा के लिए.
जैसे जूही मैम ने 11 लोगों की टीम खरीदी है, हमने अपनी टीम बनाई है। ये अमीर लोग है, पैसे है बाजी, खरीद सकते हैं। हमारे पास पैसे नहीं बाजी, गरीब बंदा मेहनत ही करेगा। एक मिनट, जूही मैम हमारे बच्चे भी कोई खास नहीं हुए। बच्चे होते हैं सोनम जैसे, रिया जैसे, हर्ष जैसे, जो ना माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। अनिल जी हमारे बच्चे तो सारा दिन डायपर गीला करते रहते हैं। तो बच्चे हैं तो डायपर गीला करेंगे और क्या करेंगे? तो अपना करें ना, दूसरों का क्यों करते हैं? 11 बच्चे होते हैं अनिल कपूर जी, पहले वाला धार मारता 11वें का डायपर गीला, 11वां मारता तीसरे का, तीसरा मारता चौथे का, चौथा मारता जिग जैग खेल रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके। मैं तो कभी कभी डर ही जाती हूँ जूही मैम, मेरे को लगता है 11 फाउंटेन एक साथ ही छोड़ दिए। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे आज तक अपने हस्बैंड का कभी प्यार ही नहीं मिला। 400 लोग हैं शादी को, आज तक उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया। नील जी लगाता है, पेट बीच में आ जाता है ना, क्या करे वो। सोनम से सीखो कुछ, जूही मैम से सीखो। मैं सीखती हूँ, आई एम फिट। हाँ ओके, मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। मेरे कितने सपने थे कि मेरे सपनों का राजकुमार से घोड़ी पे चढ़ के आया, हाथी आया घोड़ी पे चढ़ के और मुझे तबेले पे ले गया। अच्छा भाभी बताया नहीं, तेरे कौन से बड़े सपने थे तुम्हारे? मेरे सपने पता क्या थे देवर जी? मेरा सपना था मैंने ऐसे पुच्छों वाला काजल डाला हो, मेरी दो सोटियां हो टाइट, मेरी पुच्छामी ऊपर से भी ऐसे टाइट, में साइकिल चलाऊं खड़क करके अचानक से साइकिल की चेन उतर जाए और अनिल जी आके चेन चढ़ाए। इतने बड़े सुपरस्टार चेन चढ़ाने आएंगे? साइकिल की नहीं, मुझे सोने की चेन चढ़ाए। छोटी सोच इनकी। अभी ये सपने तो अपने घर वाले के साथ देखना, बच्चा के साथ। उसके साथ सपने क्या पूरे होंगे, हमारा कंबल पूरा नहीं होता। जूही मैम जब मेरी टांगे अंदर तो उनकी बाहर, जब मेरा पेट अंदर तो उनका बाहर। जब हमारे मुंह अंदर तो उनकी एंटीना जैसी चोटी बाहर। ठीक है भाभी, तूने सोच ही लिया है तो छोड़ दे तू अपना घर, क्या कर अपने सपने पूरे। ओए राम, शर्म आनी चाहिए सारे समाज के सामने। आप एक माँ को बोल रहे हो कि वो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाए। देवर जी, एक माँ अपने पति बच्चे को छोड़ सकती है लेकिन 11 बच्चे नहीं, समझे? भाभी मैंने कुछ कहा नहीं, तुम खुद ही कह रही थी। खुद ही कह रही थी, मैं केला खोप के मर जाऊंगी। खुद ही कह रही थी, कहते बाजी। आपको ये दर्द तब समझ आएगा देवर जी जब आप खुद माँ बनोगे। अनिल जी, जूही मैम, सोनम, आप इनको सिर्फ इंटरव्यू देना, घर की कोई बात नहीं करनी इस बंदे के साथ। ये ऐसे क्लेश बढ़वाता है ना, इसने घर ऐसे करवा देंगे। लेकिन एक मिनट, सॉरी मैं शादी पे नहीं आ सकी सोनम, क्या आपने कार्ड भेजा था ना? कितने झूठे कहाँ भेजा था? मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरा एक सपना था कि मैं शादी में ऐसे तैयार हूँ और बारात में पीछे जाती है ना चाचियाँ से, फिर आप मुझे कहो नाच ना, नाच तितली, मैं कहूँ नाच ना, मैं कहूँ फिर तीसरी बारी मैं ऐसा नाचू कि तमाला डाल दूँ। नहीं, आप वही सीन करते हैं, हम सोनम की बारात जा रही है, आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? मेरी बारात कैसे जा सकती है? मेरी बारात जा सकती है तो लड़के बारात में जाते हैं ना। कोई बात नहीं, इधर अच्छे कपड़े पहने हो तो उधर भी मिक्स हो जाते हैं हम। चलिए मैं बारात, बारात म्यूजिक बजाओ।
आप अभी पछता रहे हैं ना कि आपने मुझे शादी पे क्यों नहीं बुलाया? हुआ? ये सबसे बड़ी गलती होगी मेरी। बुलाना चाहिए था मुझे। बुलाना चाहिए था ना? मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं तो आपके साथ नाचना चाहती हूँ। बजाओ जी म्यूजिक। ओहो। मजा आ गया। एनर्जी एनर्जी तो मुझ में ही थी भैया। ए भगवान। शी इज अ पटाखा पटाखा। शी इज टू गुड। शी इज टू गुड। फैंटास्टिक। क्या बात है, मेरे से बेटर डांस किया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इसमें एक डायलॉग है सोनम का कि हर ट्रू लव स्टोरी जो होती है उसमें रास्ते में कोई ना कोई स्यापा होता है। होता ही होता है। आपकी रियल लाइफ में लव स्टोरी जो हुई उसमें अड़चन आई थी कोई? वो लंदन में रहते हैं। अच्छा, बट डिस्टेंस था, वही स्यापा था और कुछ नहीं। मतलब वो सबसे बड़ा स्यापा है आजकल। पर अच्छी बात ये भी है कि जी इतना डिस्टेंस होने के बाद फिर जब आप अपने काम से फुर्सत मिलती है उनको मिलती है, फिर जब आप मिलते हैं फुर्सत नहीं मिलती है मुझे पड़ता है उधर। पर बड़ा अच्छा भी लगता है, आप देर बाद मिलते हो तो और भी मजा आता है नहीं? जैसे मैं अपनी पुरानी कॉलेज की गर्लफ्रेंड, अच्छा सॉरी, मैम ऐसा हमने सुना है जूही मैम कि शादी से पहले जय सर जय मेहता जो जूही मैम के हस्बैंड है वेरी रिच मैन। अच्छा। मैम हमने ऐसा सुना है कि वो शादी के पहले आपको बहुत सारे गिफ्ट देते थे, तो आज भी आपको गिफ्ट देते हैं कि घर की जूही पत्नी बराबर? मैं वही बोलने वाली थी, पहले बड़े आते थे। अच्छा, ये पता नहीं शादी के बाद क्या होता है। शादी से पहले मैं लेता था। आप लेते थे गिफ्ट? क्या बात है, ये देखिए। गिफ्ट लेता था, पैसे लेता था, टैक्सी के पैसे लेता था। अरे मतलब स्ट्रगल के दिनों की बात है। हाँ, मतलब वो कहती थी कि मुझे आकर मिल, तो मैं बोला पैसे दे तो आता हूँ। आई एम वेरी वेरी कमर्शियल। तो बाजी बात चल रही है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक बार जोरदार तालियां राजकुमार राव के लिए। थैंक यू भाई, सरप्राइज सरप्राइज बट वेरी लवली सरप्राइज। थैंक यू सर, हमें तो बताया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में थे ना आप? दिल्ली मैं दिल्ली में था, मैं मोदी जी के पास हम लोग मिलने गए थे सर इंडस्ट्री की तरफ से। अच्छा, उन्होंने जल्दी छोड़ दिया तो मैंने सोचा भाग के आ जाता हूँ मैं। क्या बात है भाई, मोदी जी के बाद डायरेक्ट आप मुझसे मिल रहे, कैसा लग रहा है? मोदी जी के बाद शर्मा जी, क्या बात है। नहीं पर नहीं, मुझे सीरियसली बताया गया कि राजकुमार आने नहीं वाले हैं बिकॉज वो दिल्ली में है, पर बहुत अच्छा लगा पाजी, आपने ऐसे एंट्री मारी ना खतरनाक। सर मैं सर से सीखा है मैंने बहुत। मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ और ये बात इनको पता है। अच्छा, प्यार आप करते हो भले ही, लेकिन आते ही सीधा बैठे आप सेंटर में हो लड़कियों के। मतलब स्त्रियों का जमाना है सर, दो दो स्त्रियों के बीच में बैठने का मौका। अरे यार, स्त्री के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। नहीं, अभी आप मोदी साहब से मिले तो क्या बात क्या हुई, मतलब मेरे बारे में पूछ रहे थे? पूछ रहे थे आपके बारे में, काफी देर तक आपके बारे में बातें हुई। क्या बोल रहे थे? बोलते वो लड़का कैसा है जिसकी शादी हुई है अभी। मैंने कौन सा, विराट? बोले नहीं नहीं नहीं, वो एक और लड़का कपिल, तब बताया उनको हमने। अच्छा, बोलते उसको बोलना कि याद कर रहा था मैं, थोड़ा ऐसे गुस्से में लग रहे थे पर पता नहीं क्या। वो तो पुरानी बात है। कौन सी बात है? ऐसे
ट्विटर नाम की चीज नहीं है जो इसने बड़े पंगे क्रिएट किए लाइफ में. वो कभी कभी हो जाता है ऐसे. मैं तो रात को 12 बजे करता है तू. नहीं अब नहीं करता, वो शादी के पहले की बात थी. ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा पर मोदी साहब सॉरी. अच्छा ओके चेंज द टॉपिक. इसकी लड़ाई भी जमीन पर नहीं होती, हवा में होती है. आप भी तो पाकिस्तान गए थे. ऐसे ही है फिर. ये ऐसा हमारा चलता रहता है. तो हम कहाँ थे? हाँ तो मैं ये सोच रहा था बच्चा आपका देख ही नहीं रहा इधर, क्या सिखा के लाए हो आप उधर? बेटा क्या देख रहे हो, अभी कोई लड़की नहीं आएगी और जो आती भी वो नकली होती बेटा. तो राजकुमार जो है अपनी हर फिल्म में एक डिफरेंट किरदार करते हैं. राजकुमार जी आप इस फिल्म में क्या कर रहे हो आप? तो मैं इस फिल्म में एक थिएटर में एक लेखक हूँ, राइटर हूँ और जो नाटक डायरेक्ट भी करना चाहता है. वहाँ पर कैसे इनकी मुलाकात होती है इस लड़की से और फिर जब इस लड़की को वो देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा यही है जो है. और फिर पिक्चर पहुँच जाती है पंजाब में उसके बाद. ओके फिर पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं. फिर जो कुछ होता है ये बाप बेटी हैं, हम दोनों एक टीम हैं, हम थिएटर में साथ में काम करते हैं और फिर उनकी नज़र कहीं और है, हमारी नज़र कहीं और है. फिर नज़रों का ही खेल है. पापा जी आपने जो अनिल सर के साथ तो पहले भी काम किया है, सोनम से भी आप पहले मिले थे शायद जी. तो जूही मैम के साथ पहले डर फिल्म, इनकी कितनी सारी फिल्में कयामत से कयामत तक से लेके इसके, तो जब आपने पहली बार देखा तू है मेरी तो आपको कैसा लगा किरण? कैसे जूही मैम को जब देखा आपने पहली बार? सर मैं बॉन का बहुत बड़ा फैन हूँ और इतनी कमाल की एक्ट्रेस हैं वो, जब वो स्क्रीन पे आती है ना तो कुछ हो जाता है, मतलब एक चार्म है उनका. कसम से मैम जब आप, मैं मतलब मैं कौन सी फिल्मों की बात करूं, जब वो मैं शाहरुख भाई को बहुत प्यार करता हूँ लेकिन डर में जब आपको तंग कर रहे थे मेरे को बड़ा गुस्सा हो रहा था. मुझे ये था कि यार क्यों तंग कर रहे हैं यार सीरियसली. पर फिर जब आपका वो गाना है ना हमें राय प्यार के में घूंघट की आड़ में, क्या गाना था, मजा बड़ा आता था देख के. कसम से मैं कभी सोचा नहीं था कि लाइफ ऐसे कभी आपको मिलेंगे. मैंने काम भी अच्छा किया था. अच्छा आपको पता भाजी बरेली की बर्फी में राजकुमार ना साड़ी पहनते हैं एक सीन में. एक बात तो मैंने देखी है, आदमी ने जब जब साड़ी पहनी है उसकी पौ बारह हुई है. मुझे और तो कोई पता नहीं लेकिन हमारे शो में तो बहुत लोगों की हुई है. भाजी आपको को भी ऐसा लगता है साड़ी पहनने से कुछ जिंदगी में बदलाव? बिल्कुल लगता है. मैंने तो स्त्री में भी साड़ी का बहुत हमने इस्तेमाल किया और मर्दों ने साड़ी पहनी है तो आई थिंक साड़ी का कुछ है. मुझे लगता है हर मर्द को हफ्ते में एक दो दिन साड़ी के निकाल लेने चाहिए. तो मैं संडे को खाली खाली घर पे अपने साड़ी पहन के लग अच्छा रहता है. अगर मैं तो करूँ मंडे टू फ्राइडे में शूट किया करूँगा, आप देखो सैटरडे संडे अगर मैं साड़ी पहन के यहाँ कुछ कर सकता हूँ तो. अच्छा आपको पता पाजी न्यूटन फिल्म देखी आपने? जरूर देखना पाजी, बड़ी कमाल की फिल्म है. उसमें ये ना इलेक्शन करवाने जाते हैं नक्सलाइट एरिया में. अच्छा अच्छा अभी आप मोदी साहब से मिल के आ रहे हो इसीलिए तो नहीं बुलाया आपको कि आप नक्सलाइट में एरिया में आपने चुनाव कराए थे कुछ हेल्प मांगने के लिए? तो फिर मोदी साहब से पूछा आपने, आप फिल्में देखते हैं ऐसे पूछा आपने कि नहीं? नहीं मैंने ही नहीं पूछा. आप आपने क्यों नहीं पूछा? नहीं एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, आप मुंबई में आए थे तो कहते आप सब इस लाइन में ऐसे खड़े हो गए, हम तो मोदी साहब आ रहे हैं. तो मैं जैसे मैंने बड़ी चीज़ें सोची थी, मैंने कहा मैं ये बोलूंगा जैसे बोलना, उनके साथ एक आदमी था पाजी मशीन गन ली हुई और मेरी तरफ करके खड़ा, तो मैंने ऐसे नमस्ते किया. क्या बोले आदमी सीधा ऐसे मेरी छाती की तरफ, काला चश्मा लगाया था घूर रहा था आदमी. एनीवेज ट्विटर है कपिल, यू कैन स्टिल आस्क क्वेश्चंस. और जब मैंने एक ट्वीट किया था उसके बाद रिप्लाई नहीं करते.
सतरीकाल, कैसे? हाय कप्पू, कैसे है? मैं ठीक हूँ. Oh my God, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जाइले. कैसे रह चुका? अच्छा हूँ. कैसे हैं? आप कैसे हैं? बस बस, आने में लेट हो गए. दिल्ली से आ रहे थे. दिल्ली से आ रहे. गाड़ी पे है कि घोड़े पे? नहीं, राजकुमार लोग अक्सर घोड़े पे आते हैं ना. इनकी जब गाड़ी से पीछे पार्किंग में आ रही थी ना, तीन चार लोग खड़े हो गए उधर. कहते बाप मुलायजा होशियार, राजकुमार प्रधान रहे है. ऐसा करके आपको पता है, आप में और मेरे में एक चीज बहुत कॉमन है. आपको स्त्री ने सुपर स्टार बनाया, मेरे को भी स्त्री सुपर स्टार बना रही है. कैसे जुई जी? हाँ जी. जय मेहता जी. जोर से बोलो जय मेहता जी. सारे बोलो जय मेहता जी. मैं नहीं सुनिया. जोर से बोलो जय मेहता जी. जय माता दी होता है. उनके हस्बैंड जय मेहता जी है ना, बहुत बड़े बिजनेस मैन है. मैं उनका नाम लेगी, भगवान का नाम काय को लेगी मैं. खैर अनिल सर, आपकी बहुत बड़ी फैन है मैं. मुझे भी बहुत अच्छी है. खुद की आपकी? मैं तो बोलती सर आप इतने बड़े स्टार हैं, आप दो रखो, एक इधर और एक इधर. पागल है, इधर दाढ़ी रखते हैं. तो मेरे को क्या पता, मैं तो लेडीज है ना. हाय सोनम. हाय. ऐसी बहुत अच्छी. आपका हाथ दिखाओ ना. देखा, मीडिया वाले झूठ बोलते. क्या? मैं पेपर में पढ़ी थी कि अनिल कपूर जी ने बेटी के हाथ पीले कर दिए तो सफेद है. अरे बेवकूफ, हाथ पीले करने का मतलब शादी कर दी है, ये क्या पूछ रही तू? अच्छा वो मेरे को ऐसे ही याद. पता, एक बार मेरे डैडी ने मेरे हाथ नीले कर दिए थे. मतलब? अरे मैंने उनकी से पॉकेट में हाथ डाली. हाँ? उनको लगा मैं चोरी कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही थी, मैं तो पैसा निकाल रही थी. मेरे को बहुत मारे मालूम बाद में. खैर किधर अपनी पर्सनल बात में लग गई. आपसे बात करती, शादी कब है इटली में? वो मेरी शादी नहीं थी, वो किसी और की शादी थी. इनके तो मुंबई में हो गई ना. मुंबई में हो गई? इटली में नहीं किया ना. अरे इटली में नहीं किया, आज की डेट में लोग मानते ही नहीं फिर शादी हुई कि नहीं. इटली में बहुत कह रही सच्ची में. पुराने जमाने में क्या रहता था? क्या मतलब, शादी करने के लिए कुंडली का मिलना जरूरी था. आज की डेट में वीजा का मिलना जरूरी है. इटली में रणवीर सिंह का भी होता है ना शादी. सबकी होती है शादी. मेकअप का सब डिपार्टमेंट मेरा था, रणवीर का. झूठी के, तू कब गई थी इटली? अरे उसके ड्राइवर की बुआ का मेकअप किया था मैंने. तो वो कहाँ गए थे शादी में? तो उनका प्रॉब्लम है, आपस में नहीं बनता रहेगा उनका, मैं क्या क्या करूँ. अनिल सर आपसे बात करने का था. मैं नीचे बैठती, मैं औकात में रहती हमेशा. मैं शादी का सब वीडियो देखी आपके. क्या डांस किया आप, पूरा कोट वेट निकाल के, शर्ट वेट निकाल के जो नाचे आप, नागिन डांस पे ऐसे किया इन्होंने. दिन अदीन था, दिन अदीन था. मालूम पाजी पंडित कितना परेशान हो गया. बोला लड़की का कन्यादान करना है, लड़की के बाप को बुलाओ. किसी का बाप नहीं बुला पाया इनको, इतने नाच रहे. सच्ची बोलती. और बाद में पंडित परेशान होके बोला मुहूर्त तो निकल गया, इनमें इतनी एनर्जी है मुहूर्त को पकड़ के लेके इधर जा रहा है. ए सपना, खबरदार अगर तूने मजाक किया तो. मजाक क्यों नहीं करूं, मजाक नहीं करे तो ये लोग निकाल देते हैं. पुरानी हिस्ट्री तो मालूम है आप लोग को, इधर क्या क्या होता है. खैर मैं अनिल जी की तारीफ, इतने यंग डैशिंग है ना, ये ससुराल जाते हैं ना तो आज भी ससुराल वाले इनको पूछते हैं और खुशखबरी कब सुना रहे. हर्षवर्धन कैसे है? फर्स्ट क्लास. बहुत बड़ी फैन है आप ना, बहुत चालाक हो आप. आपने ना खुद का नाम बेटे जैसा रखा है और बेटे का नाम बाप जैसा रखा है. आप लोग खुद ही बोल के देखिए सर, हर्षवर्धन और खुद का अनिल.
अच्छा सर, अभी ना 14 फरवरी आ रहे हैं ना, तो वो 14 फरवरी को वो कौन सा डे रहता है? वैलेंटाइन। हाँ हाँ, तभी वो हर्षवर्धन मेरे को दो ना, मेरे को लगेगा वो। ये तो पागल है, किसी से भी उनका बेटा मांग लेती तो पागल। हाँ तो अच्छा लगा तो मांगी मैं। ऐसे कैसे कैसे? बहुत अच्छे है। जय मेहता जी। अच्छा जुई जी, हाँ जी, एक छोटा सा काम था मेरे को। हाँ। एक आदमी ना मेरे को सुबह से बहुत टॉर्चर कर रहा है। ये नहीं नहीं कोई है, वो ना बहुत मेरे को फोन कर करके, जुई जी का मैं बहुत फैन है। अच्छा। उनका सब पिक्चर देखे लाए मैंने, एक बार उनसे बात करवा दो प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट। एक बार बात कर लेंगे शाम को, शो के बाद। हाँ शो के बाद करेंगे। हाँ। करेंगे ना? ठीक है ना सिद्धू जी, कर लेना फोन। नहीं मेरे को आपने बोले, देखिए ऐसे बैठने में आपका काम कर दी ना। और इन्होंने मेरे को खास बोला था कप्पू कि उनको प्राइवेट में बोलना, देखा मैंने इनको बोला किसी को पता भी नहीं चला। मेरे आइए ना सर, मैं औकात में ठीक हूँ। हाँ। और सोनम कैसे? आपका ना ड्रेसिंग स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ऐसा पेंट, इधर फूल निकला हुआ, पता नहीं किधर क्या किधर। तो ये हीरोइनें लोग बहुत जलती रहेंगी ना आपसे, क्योंकि रोज ब्रांडेड कपड़ा पहनते आप। हाँ, तो क्या? मैं आपसे नहीं जलती मालूम। मैं भी ब्रांडेड कपड़ा पहनती है। ठीक है। मैं वो वर्मानी, बुगाची, अडवानी सबका कपड़ा पहनती हूँ। ए, पागल है, अडवानी क्या ब्रांड होता है? अडवानी मेरे को कपड़े देता है तो अडवानी का ही नाम लेती ना मैं। मैनर्स हैं तेरे को, कैसे बात करते हैं गेस्ट से? मेरे को सब पता है, इन लोगों में स्टाइल है। ठीक है, बड़े लोग है, कपूर्स है, कपूर्स। अरे सुन कप्पू, क्या मैं क्या बोलती है, एक कप्पू विप्पू छोड़, कपूर्स का टाइम चल रहा है आजकल, सरनेम बदल के कपूर्स रख लेते हम लोग। अनिल सर, ये कपूर बनने का क्या प्रोसेस है? नहीं मेरे पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, रेंट का एग्रीमेंट सब है, कुछ बताओ ना कुछ रहेगा। अच्छा मैं, अरे मैं भूल गया, आपकी जो पिक्चर आ रही है उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। पिक्चर का ना ट्रेलर देखी मैं, उसमें आपको बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं ना, आप रिजेक्ट कर रही हैं। मेरा उल्टा है, मेरे को बहुत शादी करनी है, एक भी रिश्ता नहीं आ रहा, कुछ करो ना मेरे लिए। अरे तेरे को क्या शादी करनी है, तेरा है ना वो क्या मुकेश? अरे हाँ ओह मुकेश को तो मैं भूल ही गई, आपको पता है ना मुकेश के साथ मेरा लफड़ा था। मुकेश कौन? मुकेश जानते हैं आप लोग, अपनी फिल्म इंडस्ट्री का है। अरे जब थिएटर में आप लोग की पिक्चर रिलीज होती है ना, तो आपकी शुरू होने से पहले वही आता है, क्या हो गया इस शहर को, हर तरफ धुआं ही धुआं, मैं हूँ 23 साल का मुकेश। आ, वो मेरा फुंसी है। फुंसी नहीं, फियोंसी है। हमारे नाला सुपारे में फुंसी रहता है। सपना तेरा हो गया, चलो यहाँ से। चलो मैं जा रही हूँ, ऐसा मेरे को डांटना नहीं है। बात करें इतने बड़े बड़े सुपरस्टार लोग के सामने आप मेरे को डांटते हैं? मालूम है अनिल सर कितने बड़े सुपरस्टार है, 40 साल से काम कर रहे, कोई छोटी बात नहीं होती। हाँ। बात करते लोग 4-5 दिन काम करके साहब घर बैठ जाते हैं, ये वो 7 दिन से अभी तक काम कर रहे, बहुत बड़ी बात है। हर लम्हे ये बेटे ने कर्म किए लाए तब जाके इतने बड़े नायक बने, छोटी बात नहीं है ये। बात करते क्या क्या फिल्में किए मालूम है अनिल जी ने, घर हो तो पैसा, घर हो तो ऐसा ऐसा वैसा घर हम लोग का रहता है, इनके घर में ही पैसा रहता है। सर आपने फिल्मों में क्या कुछ नहीं किया अनिल सर, एक्शन, रोमांस, क्या क्या डायलॉग बोले, थ्रिलर, जुई जी ने कितनी सुपरहिट फिल्में की है, राजकुमार भी देखो अभी स्त्री के बाद सुपरस्टार बन गया है, सोनम अपनी ऑलरेडी सुपरस्टार है, इतने सब आप बड़े लोग, 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। थैंक
ये किस्सा मेरे साथ हो चुका है. किसी ने मुझे फोन किया, मुझे बहुत जरूरत है यार, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज को, 1 करोड़ रुपए भेज देना. तुझे शर्म नहीं आती जो आता है उससे पैसे मांगती है? तो क्या पैसे फ्री में थोड़ी मांग रही है, वो मेरा किस भी ले सकती है. मतलब मैं आपका मसाज भी कर सकती है. हमारे मेरा पार्लर है इधर मैम, सपना ब्यूटी पार्लर, बहुत मसाज करती है मैं. कौन सा मसाज? अलग अलग टाइप का मसाज है मेरा, 1, 2 का 4 मसाज. उसमें हम 1 को मसाज करते हैं, वो आगे 4 को मसाज करते. फिर हमारा वो इधर बहुत फेमस है अनिल सर, मिस्टर इंडिया मसाज होता है इधर. मिस्टर इंडिया मसाज में क्या होता है? उसमें मैं सबको ऐसे लिटा देती है, फिर उनका सामान लेके भाग देती है. सपना, मुझे अनिल जी का मैसेज आया अभी. क्या मैसेज है? बोलते इसको हटाओ नहीं इसको इसका दिन दिना दिन दा कर दूं. अच्छा मैं जाती है फिर, ठीक है मैं. Bye. बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा. जय मेहता जी. जय मेहता जी. अनिल सर मैं आपकी इतनी बड़ी फैन है ना, मैं एक बार अरे खुद गले लगा रहे हैं मेरे. जबरदस्त किया. एक मिनट ना, ए जी ना ओ जी ना लो जी सुनो जी, अनिल कपूर जी हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के पहले 4G. बजाना. राजकुमार पाजी, आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी जो ही मैम सोनम, बहुत सारे आपने जब कोल्ड ड्रिंक्स की कोई दुकान देखी होगी ना, तो वहाँ पे उन स्टार्स की फोटो लगी रहती है जिन्होंने उस ब्रांड को इंडोर्स किया है. लेकिन अनिल सर के मैंने देखा एक चीज़, सर सैलून के बाहर आपके बाल और ऐसे, आपने पहले फिल्मों में तेजाब में किया था ना ऐसे चिड़ी निकाल के बाबला, वो अपनी फोटो शिकंजी की दुकान पे, जूस की दुकान पे, मैंने तो लाइफ में कभी देखा नहीं. आपने कभी शिकंजी की जूस की ऐड करी कभी? करना चाहता हूँ. पर आपको रॉयल्टी देते हैं वो आपकी फोटो का इस्तेमाल बिना पूछे करते हैं? नहीं, किसी ने मुझे रॉयल्टी नहीं दी. यार कितने शरीफ हैं अनिल सर, हर जगह आपकी फोटो लगती है और कई सालों से देखते आ रहे हैं हम लोग, बड़ी कमाल की फोटो लगती है आपकी. हमारी जैसे गुड़गांव में पहले रिक्शा चलती थी ना, तो रिक्शा पे ऐसे 3 फोटो होती थी नीचे सीट के नीचे. अच्छा. जैसे अनिल कपूर, गोविंदा, कोई एक, तो हमें बहुत लड़ाई होती थी कि मैं अनिल कपूर बनूंगा, मैं अनिल कपूर बनूंगा. तो हम लोग बैठते थे कि अनिल कपूर मैं हूँ, उसके फोटो के ऊपर जो बैठता था वो अनिल कपूर होता था. कितनी स्टोरी है ऐसा. अनिल सर कभी आपको ऐसे मौका मिला कभी ऐसे देखने का? हाँ जी. मतलब आपको कभी मौका मिला ऐसे? बड़ी सारी फोटो ऑटो रिक्शा के अंदर, वो लाल हरे रंग के बल्ब और आपकी फोटो ये वाली ऐसी लगी रहती थी. आप ऑब्वियसली कभी बैठे नहीं होंगे आप ऑटो रिक्शा में कभी, पर हमने तो बहुत देखा. ऑफ कोर्स बैठा हूं मैं. नहीं पर तब स्ट्रगल के दिनों में बैठे ना, जब आप स्टार बन गए फोटो तो बाद में लगनी शुरू हुई ना. बनने के बाद भी बैठा हूं. अच्छा. आपने अपनी फोटो देखी ऐसे रिक्शा में, कैसे फील हुआ आपको? हां देखिए, मैंने किसी, काफी लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं. अच्छा. और जब वो उस पर लिखा होता है झकास. झकास. अरे अनिल सर इतना मजेदार बोलते ना, रोबीली बात, झकास. सुनम, बड़े बच्चे अपने माँ बाप की कॉपी करते हैं, आप बोलो ना पापा का डायलॉग झकास. ओ गॉड, पापा के सामने? हाँ तो फिर क्या हुआ? ओके डैड सॉरी, मैं कर लेती हूँ, ठीक है. झकास.
सोनू ने बड़ा क्यूट बोला, जो ही मैम आपके मुंह से भी सुनना चाहता हूँ कि इतने प्यारे फेस के साथ झकास। ठीक है, तोड़ दिया मैंने, स्क्रीन फाड़ दी। नहीं अच्छा कौन कौन ऐसे, अनिल सर का डायलॉग यही बोलना झकास, लेकिन ये कि बहुत छोटा है तो मतलब आपने बोलना कि अनिल सर क्या लग रहे हैं आप झकास, जिसने अच्छा बोला उसको राजकुमार राव के साथ डांस करने का मौका। पाजी आपने बोलना है कि अनिल पाजी क्या लग रहे हो, और जूही मैम की तरफ देख के बोलना झकास, जो कि मुझे पता आप करने वाले हो। आपके पेट की बात मुझे पता है, दिल की बोलूंगा नहीं मैं। अनिल सर आप क्या लग रहे हो, झकास। क्या बात है, पेट आप इधर रख दीजिए, आप एक बार दोबारा बोलिए। पाजी लव यू, कहाँ से आए आप? दिल्ली से। बड़ा अच्छा लगा आप शो में आए, धन्यवाद सर। और आपके बगल में जो लड़की बैठी है ना उसको मेरी हाय बोलना जी, और कोई झकास बोलना, कौन कहाँ है, वाह सर देखो लेडीज भी आपका डायलॉग बोलना चाहती है। अनिल जी मेरा नाम माधुरी है, मैं मलाडी में रहती हूँ, और मैंने आपकी बहुत पिक्चरें देखी है, हर पिक्चर हर करदार झकास। और आने वाली मूवी भी बहुत झकास होगी। डांस हो जाए फिर आज, चल आ जा, इसको भी लेना पड़ेगा। मैं ये कौन है, मीनाक्षी शेजादरी? तो भाई और बहनों आपके सामने पेशक खिदमत है, मलाड से माधुरी जी और साथ में उनकी बहन जी, आइए प्लीज प्लीज आइए आइए। अच्छा अनिल सर देख लो, जब आप नए नए वो 7 दिन आई थी फिल्म, तब ये भी स्कूल में कॉलेज में पढ़ती थी, आपके फैन बड़े हो रहे हैं, आप नहीं हो रहे? मैंने आपकी हर पिक्चर देखी है। अच्छा जी। और अनिल जी की और माधुरी जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या बात है। और जूही जी की देखी है वो वाली, वो हमारे जयपुर का है, घूंघट की ओढ़ से। ओहो, आप उस पे भी डांस करेंगे? ये गाना लगाओ। पाजी आप तो ऐसे लग रहे महाराजा नहीं बेटा मुजरा देख रहा, बजाओ बजाओ। थैंक यू माधुरी जी, बहुत क्यूट लग रही थी आप डांस करते हुए, थैंक यू सो मच। अच्छा ये जो एक जैसी टी शर्ट पहनी है, आप लोग कहाँ से आए हो? वी आर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अरे मेरी फेवरेट प्लेस है, हिमाचल में कहाँ से आप? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट।
ये हमारा जो ये एक हमारा टूर है जो हमारे हिमाचल प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्री अनुराग ठाकुर उन्होंने मतलब जो बच्चे हिमाचल प्रदेश में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको भारत भ्रमण कराया जाएगा तो उसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं जो बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ाई लिखाई में तो उनको वो भारत दर्शन करवा रहे हैं जिन्होंने 10th एंड 12th में मतलब हाईएस्ट रैंक किया है वेरी नाइस वी आर सो प्राउड ऑफ यू थैंक यू सर तो आप सब हाईएस्ट मार्क्स लेने वाली लड़कियां हैं यस सर हम टॉप 20 बच्चे हैं क्या बात है कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सर एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू टू अनुराग भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे ही अच्छे-अच्छे काम करते रहिए अच्छा आपने नाम ही नहीं बताया अपना माय नेम इज यशस्वी शर्मा होशियार बच्चों के नाम ऐसे होते हैं हमारे जैसे के होते हैं रेनू कपिल बंटी रेनू मेरी मम्मा का नाम है आई मीन होशियार बच्चों की मम्मियों के नाम बड़े अच्छे होते हैं जैसे मैं फंस गया हूँ मेरे को माफ कर दो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू हाउ आर यू जिनल कि जिनल आप क्या करती हैं सबसे पहले सबको बताइए बेसिकली आई एम रोट्रैक्टर जिनल फ्रॉम द रोट्रा क्लब ऑफ एसके सोमैया कॉलेज एंड अलोंग विद मी आई हैव लियो हिमिशा शी इज फ्रॉम द लियो क्लब ऑफ विद्या विहार So basically, Rotaract and Leo, we are two organizations. So hum log social causes ke towards kaam karte hai. And as all of us know, ke Kapil sir has a soft corner towards cancer patients. तो जब भी हम लोग ने उन बच्चों को बोला कि हम लोग द कपिल शर्मा शो पे जाने वाले हैं तो उन्होंने एक बहुत ही क्यूट सी गिफ्ट बनाई है सर के लिए एंड सो वी वुड लाइक टू गिव दिस टू यू एंड ऑल्सो थैंक यू We were so glad that you came back with your the new Kapil Sharma show Thank with you. An amazing team. We have a portrait for the entire team made okay. for you. So sweet. Thank you. That's we have our artist also here, Mr. G.K. Lakshman sir. Namaskar, he made sir, the portrait. बिल्कुल एकदम original है sir. क्या बात है? Thank you so much. तो ये बहुत ही प्यार से हमारे लिए बना के लाए. Thank you so much sir. क्या लिखा है इस पे जी के गिनी ओ गिनी एंड कपिल सो स्वीट थैंक यू सो मच जिनल और यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू डियर थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू आइए ये थैंक यू तो अब वक्त है फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि डायनेमिक डायरेक्टर को यहाँ पे बुलाने का प्लीज वेलकम शैली चोपड़ा धर और आपकी पहली फिल्म है जी और पहली फिल्म के साथ आप सिक्सर मारने जा रही हैं अरे जैसे हमने पहले एपिसोड में मारा अपनी तरफ साथ में हो जाती है मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधु विनोद चोपड़ा हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े नामी गिरामी प्रोड्यूसर हैं और उनकी एक छोटी सिस्टर भी हैं जी तो शैली जी ने फर्स्ट टाइम ये फिल्म बनाई है मैम आपने अनिल सर के साथ राजकुमार जूही मैम और वैसे तो आप इनको काफी सालों से जानती होंगी लेकिन पहली बार आपने काम किया सबके साथ कैसा लगा मैम आपको कमाल की टीम है इससे बेटर नहीं हो सकती क्या बात है मतलब मैं इनको कह चुकी हूँ कि इन लोगों ने मुझे स्पॉइल कर दिया है प्रॉब्लम ये होती है कि जब ऐसे प्रोफेशनल लोग आपके साथ काम करते हैं पहली बार जी तो आपको लगता है कि सब इंडस्ट्री ऐसी होगी अब मुझे पता नहीं है आगे क्या होगा लेकिन ये लोग तो कमाल के थे शुरुआत अच्छी तो सब अच्छा है मतलब इनसे ज़्यादा एनर्जी किसी के पास हो नहीं सकती मतलब हम शूट कर रहे हैं रात की शूट है और 6 बजे तक हम लोग सारी टीम थक के चूर हो चुकी है लेकिन इनको एक और शॉट चाहिए 100 शॉट्स लेंगे लेकिन खत्म करेंगे सर लाइट आने वाली है ना अभी 10 मिनट चलो लगाओ आई मीन आउटस्टैंडिंग एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग ये इतनी एनर्जी सच में टचवुड भगवान ऐसे ही आपको तंदुरुस्त इतनी एनर्जी रखे मेरी शादी में मीडिया वालों करा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे लोगों ने कहा सर कपिल की शादी अच्छा कहां वो मैम जूही मैम और अनिल सर की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी रही है फिल्मों में और आपने ये केमिस्ट्री वही वाली केमिस्ट्री दोबारा देखने को मिलेगी कि आप कुछ नए अंदाज में आपने कुछ क्रिएट किया है इसमें देखो जी एक लड़की उन्होंने पहले देखी थी
पर उसमें बहुत साल हो गए थे, हमने सोचा कि अब टाइम आ गया कि ये एक और लड़की को देखें। सो कुछ फर्क तो है, बिल्कुल सेम तो नहीं होगा आपको, इसमें कुछ अलग दिखेगा, इनके रोमांस में कुछ अलग दिखेगा, उनके कैरेक्टर में कुछ अलग दिखेगा, इनके कैरेक्टर में कुछ अलग दिखेगा। हमारी पिक्चर में एक ही स्यापा नहीं है, बहुत सारे स्यापे। सो थैंक यू सो मच अनिल सर, थैंक यू सो मच राजकुमार, थैंक यू सो मच जूही मैम, थैंक यू सो मच शैली जी, थैंक यू सोनम। और आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। और एक सेकंड सर, आपको हमारे शो में आप कैसा लगा? एकदम झकास।